अभी हम बात करेंगे पाचपावली सेंटर के डॉक्टर से, डॉक्टर उमर से, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, यहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं, जो महामारी जो कोरोना ने आतंक मचाया है नागपुर में, यहाँ पे क्या हालत है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ के हालात क्या है एक्चुअली। देखिए, DCSC पाचपावली में पिछले 1 तारीख से ये सेंटर चल रहा है और यहाँ पर रेगुलर पेशेंट हमारे पास जो है आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास बेड अभी अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग जो है डायरेक्ट यहाँ आते हैं, हालांकि उनको जाना चाहिए IGMC GMC, वहाँ से रेफ़र होकर के आए, और उनका अगर सेचुरेशन लेवल मेंटेन करने लायक रहा तो हम यहाँ रख सकते हैं। नॉर्मल पेशेंट आप रख सकते हैं? नॉर्मल पेशेंट हम यहाँ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं उनको जो है मेडिकल और नेवो शिफ्ट करना है, और जो ऐसे स्टेप डाउन पेशेंट है उनको यहाँ पर जो है हमको। लेकिन नेवो में देखा जा रहा है, GMC में देखा जा रहा है कि वहाँ पे तो वेटिंग लाइन चली हुई है, वहाँ पे बेड्स नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन लेवल नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे पेशेंट को। मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में हो यही रहा है कि यहाँ पर हमको खुद ऑक्सीजन बराबर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, पेशेंट इतने ज़्यादा है कि उसको मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल है। अगर प्रशासन इसी तरीके से और कुछ सेंटर शुरू करती है तो मैं समझता हूँ कि शायद पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सकेगा। ऑक्सीजन लेवल की अगर अच्छी व्यवस्था की गई तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी हमारे कंट्रोल में आ सकती है। इसमें अगर प्रशासन थोड़ी सी और यानी कड़ाई से काम करे तो मैं समझता हूँ कि ये अगर मेंटेन हो गया तो बहुत सारे पेशेंट को बचाया जा सकता है। ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है? ये तो मैं नहीं बता सकता मैडम कि क्या इश्यूज़ है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लेकिन हमको इतना मालूम है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी गाड़ियाँ जाने की वजह से वहाँ पर बराबर वक्त पर जो है ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है हमको। अब उसकी सिचुएशन तो प्रशासन ही बता सकता है कि क्यों यानी ये नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। यहाँ पे आपके हिसाब से ICU वाले पेशेंट भी आते हैं क्या एडमिट होने के लिए? एडमिट होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ स्टेप डाउन पेशेंट को रखने की व्यवस्था है, तो हम उन पेशेंट को ले नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेयो से, GMC से ऐसे पेशेंट को जो है यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बना इसलिए कि स्टेप डाउन पेशेंट को ले, तो हम ऐसे पेशेंट को कैसे यहाँ ले करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप बताइए। यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह लग रही है? यहाँ पेशेंट के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, दवाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, लेकिन कुछ दवाइयों की शॉर्टेज है जिसकी वजह से वो दवाई नहीं भी मिल पा रही है। अगर वो डिमांड में रेमडेसिविर चल रही है, रेमडेसिविर अभी पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हम जो है पेशेंट को वो रेमडेसिविर दे नहीं पा रहे, हमको मिल नहीं पा रहे NMC की तरफ से। अगर वो मिल जाए तो कुछ पेशेंट को जो है, लेकिन उसके ऑप्शन में भी कोई होगी ना, और एक इंजेक्शन होगा जैसे कि अभी नाम आ रहा है सिप्ला करके, वो भी कर सकते क्या, उनको दे सकते? वो तो पेशेंट को देखने के बाद पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उनको ये देना है नहीं देना, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं पेशेंट? पेशेंट तो पूरे नागपुर शहर से आ रहे हैं, बल्कि कुछ बाहर से भी पेशेंट आ रहे हैं, चंद्रपुर से, MP से, लेकिन हम उनको डायरेक्ट यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते जब तक वो GMC या IGMC से रेफ़र करवा के ना आए, क्योंकि ये हमारा जो है स्टेप डाउन पेशेंट के लिए। तो इसलिए मैं आम जनता से यही गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आके अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले वो GMC या IGMC जाएँ, वहाँ पर जो है अपने पेशेंट को चेक करवाएं, वहाँ से अगर वो रेफ़र करते हैं तो वो यहाँ आए, क्योंकि ये सिर्फ स्टेप डाउन पेशेंट के लिए है, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें ताकि पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल ना हो। तो IGMC में भी जाएंगे तो उनके पेशेंट की जो हालत है वो तो और बिगड़ती जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे तो वेटिंग चल रही है। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप की व्यवस्था है ही नहीं, तो ऐसे पेशेंट को हम यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ सिर्फ स्टेप डाउन पेशेंट रह सकते हैं, तो इसीलिए इस सेंटर को बनाया गया है। तो वो पेशेंट यहाँ आकर के अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर और किसी हॉस्पिटल में जा करके वो यानी रेटिंग में रहते हैं तो उनका चांस जल्दी है उनको लेने के चांसेस। मतलब गवर्नमेंट से आपकी क्या मांग है कि और ज़्यादा कोविड सेंटर ओपन करने की ज़रूरत है?
कि उस पर हालत पे काबू पाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ पैनिक होकर के आ रहे हैं, सिर्फ अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो सीधा आकर के हमको एडमिट ले लीजिए। तो पेशेंट को अगर बिल्कुल पॉजिटिव है लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम इशू नहीं है उसके साथ, और उसके बाद उसको यानी उसकी अगर सही काउंसलिंग हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही ठीक हो सकते हैं, यानी उनकी स्थिति बिगड़ेगी नहीं। डॉक्टर और नर्स वगैरह को कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, उसमें क्या टीम वर्क करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह स्टाफ पूरा जो है पीपी किट पहन करके जो है अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और वो अपने तरफ से अच्छी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि 80 बेडेड हॉस्पिटल है और उसमें जो है हमारे पास 3 और 4 का स्टाफ है, तो उससे थोड़ा बहुत एक यानी थोड़ा काम करने में दिक्कत आ रही है। हमारे पास स्टाफ अगर ज़्यादा हो तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम हमारी यानी एक डिमांड भेज रहे हैं, अगर अप्रूव हो जाता है तो हम लोग स्टाफ भी जो है ज़रूर बढ़ाएंगे। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हमारे पास रह सके। यहाँ से कितने पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं? यहाँ से रोज मैडम 5 से 6 पेशेंट को यानी डिस्चार्ज हो रहे हैं। डेली आते कितने हैं? डेली 15 से 20 नए पेशेंट यानी जिसको हम ले रहे हैं, आ रहे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम 15-20 पेशेंट मिनिमम यहाँ पर जो है ले रहे हैं हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब 14 दिन मैक्सिमम आप रख रही हैं पेशेंट को यहाँ पे? जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उतना रखना रख रहे हैं, उससे ज़्यादा भी रखना पड़ सकता है किसी पेशेंट को, और कोई पेशेंट जल्दी भी जो है यहाँ से रिकवर होकर के जा रहा है होम आइसोलेशन में। अभी हम यहाँ पे आए कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव से जानते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आप बताइए, आपको अभी कहाँ से आए हैं? मैं मानेवाड़ा बालाजी नगर से आई हूँ। बेड मिला क्या आपको? नहीं, यहाँ पे बेड ही अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली बोल रहे कि बेड अवेलेबल नहीं है और ऑक्सीजन लेवल भी कम है, इसमें क्या करेंगे हम? तो कुछ HRCT वगैरह कुछ PCR टेस्ट कराया आपने? हाँ कराया है। डॉक्टर्स को दिखाए वहाँ के? कौन से ये डॉक्टर्स को? नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। देखे ही नहीं? हाँ। मेडिकल में और कोई हॉस्पिटल में नहीं गया? मेयो मेडिकल में तो हालत ही नहीं है वैसी पटने का, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बेड फुल हो गए थे? हाँ। तो जैसे कि अभी हमने डॉक्टर उमेर से बात की, उन्होंने बताया कि कैसी सिचुएशन है, 80 बेड होने के बावजूद भी यहाँ पे बेड्स की कमी पड़ रही है। यहाँ के पेशेंट्स मेयो में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, GMC में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नागपुर की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही है और प्रशासन का जो यहाँ पे देखने का नज़रिया है वो थोड़ा कुछ अभी बदल गया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे 80 बेड होने के बावजूद भी। तो अभी आप डॉक्टर उमेर से हमने बातचीत में ये देखा है कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मैं तोरल, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव।